हमारा आज का विषय बहुत ही महत्वपूर्ण है। थोड़ी समझ के साथ अगर ठीक ठीक सब कुछ दिखाई देने लगा तो आपकी अपनी ही आंखें आज खुल जाएंगी, क्योंकि एक ही मार्ग है, स्वयं को जानना। उसके प्रयोग हम कैसे कर सकते हैं, किस रास्ते पर चलकर स्वयं को जाना जाता है, आज उसकी ही हम बात करेंगे। मेरी पिछली वीडियो जिसका शीर्षक था आज ही बदल जाएगा जीवन, सभी मित्रों ने इसे इतना ज्यादा पसंद किया जिसके लिए मैं आप सभी का आभारी हूं। इसमें मैंने आपसे कहा कि आनंद सुख नहीं है, सुख और दुख दोनों से जब आप बाहर हो जाते हैं उसी स्थिति का नाम आनंद है। मुझे बहुत ही अच्छा लगा कि आप इसे बिल्कुल ठीक से जान पाए। आज इसी विषय के भाग दो को भी हम इतनी ही सरलता से जान लेंगे। अक्सर मुझसे पूछा जाता है कि मैं केवल हिंदू धर्म पर ही क्यों बोलता हूं, मुसलमानों पर क्यों नहीं बोलता, ईसाई पर क्यों नहीं बोलता, दूसरे धर्मों की बुराई क्यों नहीं करता। कुछ मित्र ये भी चाहते हैं कि पहले दूसरे बदलें। मुस्लिम कहेगा पहले हिंदू बदले, हिंदू कहेगा पहले मुसलमान बदले। स्वयं को जानने चलूंगा तो समाज का क्या होगा, हमारी संस्कृति का क्या होगा, ऐसे तो हमारा धर्म मिट जाएगा। ऐसा ही बहुत कुछ पूछा जाता है। फिर ये भी पूछा जाता है कि स्वयं को कैसे जाने। अब मैं बहुत हैरान होता हूं कि जब भी मैं आपको इसका उत्तर देने की कोशिश करता हूं तो तुरंत आप बीच में समाज को ले आते हो, संस्कृति को ले आते हो, और नहीं तो हिंदू मुसलमान को ले आते हो, ईसाई को ले आते हो। कितनी अजीब बात है कि स्वयं को जानने चले तो स्वयं तक ही सीमित क्यों नहीं रहते। जानना है स्वयं को, ध्यान देना है बाकी सब फिजूल की चीजों पर, ऐसे तो आप कभी भी नहीं जान पाओगे। आज तक वही सब करते आए हो, कहीं नहीं पहुंचे, ना ही पहुंच सकते हो। स्वयं को जानना केवल जब ही संभव हो सकता है जब तुम्हारे लिए और कुछ भी ना बचे, ना समाज, ना धर्म, ना संस्कृति, ना कुछ और, बस सारी ऊर्जा केवल और केवल आप स्वयं पर लगा दें। अगर मैं ऐसा कहता हूं फिर दूसरा प्रश्न उठा देते हो कि क्या स्वयं तक सीमित होना स्वार्थ नहीं होगा। ये तो ऐसा ही हुआ जैसे बहुत से लोग कहीं चले जा रहे हों, केवल आपको पता है कि ये सब गलत मार्ग पर जा रहे हैं, आप कितना भी चिल्लाकर बोलो कोई आपकी नहीं सुनेगा, क्योंकि उनको गलत मार्ग ही सही दिखाई दे रहा है। और तुम कहो कि जब तक ये सब चलने को तैयार नहीं होते तब तक मैं भी नहीं जाऊंगा, अगर मैं जाऊंगा तो ये मेरा स्वार्थ हो जाएगा, फिर ना वो जाएंगे ना आप जाएंगे। लेकिन दूसरी तरफ अगर तुम सबकी फिक्र छोड़कर सही मार्ग पर निकल जाते हो, तुम्हारा लक्ष्य मंजिल को पाना होता है, तो जिस दिन अपनी मंजिल पर पहुंच जाओगे तो बहुत संभावना है कि बाकी भी ये देखकर सही रास्ता चुनाव कर लेंगे। आप ही दूसरों के लिए उदाहरण बन जाओगे। जिस दिन तुम्हारे प्राणों में प्यास जाग जाती है, इतनी गहरी जाग जाती है, तो फिर और कुछ नहीं दिखता, केवल कुआं ही दिखता है। उस दिन ना समाज होता है ना संसार, बस आप होते हैं और कुआं होता है। मैं आपको यही कहना चाहता हूं कि अपनी प्यास की फिक्र करें, जिसे भी प्यास लगेगी वो खुद खोजता हुआ आ जाएगा। बीमार आप हैं तो दवा आपको ही खानी है, किसी और को दवा खिलाने से आपकी बीमारी समाप्त नहीं हो सकती। एक बात और, अभी आपको भी कहां पक्का पता है कि आपका ही मार्ग सही है, वो तो तब ही पता लगेगा जब पहुंच जाओगे। अभी खुद ही अंधेरे में हो, दूसरों को कैसे रोशनी दिखा सकते हो। जिस दिन रोशनी मिल जाएगी उस दिन दूसरों को भी दिखा देना, लेकिन अभी तो तलाश करो। ठीक यही बात मैं अपने बारे में भी हमेशा कहता हूं, मैं जो कह रहा हूं वो सब ठीक ही होगा, मैं इसकी कोई घोषणा नहीं करता।
मैं तो केवल अपने अनुभव आपसे बांट रहा हूं। मुझे सुनकर ही मान लेना, वही गलती हो जाएगी जिससे मैं हमेशा आपको सावधान करता हूं। विचार कर लेना, अगर सही दिखाई दे तो चलकर देखना। चलना आपको ही है, मेरे चलने से तुम्हें मंजिल नहीं मिल सकती। अगर मेरी बातें गलत दिखाई दें तो कोई ध्यान देने की जरूरत नहीं। मेरा किसी से भी कोई आग्रह नहीं। ठीक लगे तो रख लें, नहीं तो कचरा समझकर फेंक दें। फिर बहुत से मित्र मुझसे पूछते हैं कि मेरा धर्म क्या है। आज फिर से एक बार स्पष्ट कर देता हूं, मेरा आपके तथाकथित धर्मों से कुछ भी लेना देना नहीं। मेरे विचार में जिस दिन सभी तथाकथित धर्म इस दुनिया से भाग जाएंगे, केवल इंसान ही बचेगा जैसा कि परमात्मा ने उसे बनाया है, वो अपने को जान पाएगा, उस दिन क्या आप सोच सकते हो कि संसार में हिंसा रह सकेगी, नफरत रह सकेगी, बुराई बच सकेगी? जिस दिन आप स्वयं को अनुभव कर लेते हो, जिस दिन जान जाते हो, जिस दिन जाग जाते हो, उसी दिन तुम्हें पता चल जाता है कि तुम पूरी सृष्टि से अलग नहीं हो। उस दिन केवल मंदिर में लगी हुई पत्थर की मूर्ति में ही परमात्मा के दर्शन नहीं होते, रास्ते पर पड़े पत्थर में भी परमात्मा दिखाई देता है, पेड़ में भी, जानवर में भी, केवल जीवंत चीजों में ही नहीं, निर्जीव में भी परमात्मा ही दिखाई पड़ता है। उस दिन आपको पता चल जाता है कि आप सृष्टि से अलग नहीं हो, आप उसी का हिस्सा हो। बहुत लोगों ने, जिन्होंने भी जाना है, आपको समझाया है कि आप एक बूंद की तरह हो और सृष्टि एक सागर की तरह। बूंद जब तक अपने को अलग जान रही है, यही अज्ञान है। ज्ञान है कि अब वो अलग नहीं है, बूंद ही सागर है। केवल क्वांटिटी का फर्क है, क्वालिटी का नहीं। मात्रा का ही तो फर्क है, गुणवत्ता का फर्क कहां है? सागर भी वही है, बूंद भी वही है, कोई फर्क नहीं। तब ये केवल शब्द नहीं होते, आप इनको जानते हो, अपनी आंखों से देखते हो, इसे अपने अंदर तक महसूस करते हो। फिर जब सब कुछ आप ही हैं, तो अपने को ही कैसे दुख पहुंचा सकोगे? जब कोई दूसरा बचता ही नहीं, कोई दूसरा है ही नहीं, जब पेड़ भी आप हैं, झरना भी आप हैं, पशु पक्षी भी आप हैं, आपके सिवाय यहां कुछ भी नहीं, तो कैसे आप अपने को दुख पहुंचा सकते हो? दुख तो केवल बेहोशी में ही पहुंचा सकते हो। जब जाग जाओगे, सब जान जाओगे, फिर कैसे आपसे बुराई निकल सकती है? अभी तो केवल आपको समझाया जा रहा है कि बुरे काम मत करो, झूठ मत बोलो, इससे कुछ भी नहीं होता। नियम दिए जाते हैं, नियमों से कहीं कोई पहुंच सकता है? वो तो केवल इसलिए ही है कि आप भी दूसरों को वही नियम दे सको, समझा सको। ना आप समझ सके हो, ना ही कोई और समझने वाला है। ना आप नियम पर चल पाए हो, ना ही कोई और चलेगा। लेकिन आपकी तो इच्छा ही दूसरे को चलाने की होती है। आप खुद कहां चलना चाहते हैं? आपको तो होना चाहिए बताने वाला। आपका अहंकार आपको कैसे मानने देगा कि तुम दूसरे के दिए हुए नियम पर चलो? तुम्हें तो सिखाना है दूसरों को, दूसरों को चलना है आपके बताए हुए नियम पर। फिर दूसरों को भी यही करना है, उन्हें आपको चलाना है। यही पागलपन है, यही बकवास चल रही है, और सभी नियम धरे के धरे रह जाते हैं। इसी से आपका जीवन केवल और केवल दुख बनकर रह जाता है। नियम ऐसे हैं कि चला नहीं जा सकता। कोई एक व्यक्ति भी पूरी तरह नियम में नहीं चल सकता, कहीं ना कहीं नियम से बाहर होना ही पड़ेगा। मजबूरी है, आपके जिंदा रहने की मजबूरी है। देखते हो, जब भी जीवन में कोई छोटे से सुख का पल कभी आपको मिलता है, तो ज्यादातर तो नियम से बाहर होकर ही मिलता है। अब हो क्या रहा है? अगर नियम का पालन करोगे तो जीवन दुख हो जाएगा, और अगर नियम का पालन नहीं करोगे तो पापी हो जाओगे, फिर वहां से दुख आएगा। यानी कि दाएं जाओ या बाएं जाओ, दुख ही नियति है।
फिर किस आनंद की तलाश कर सकते हो? आप कहते हो समाज के साथ चलना। समाज है क्या? किसने बनाया? समाज आपने ही तो बनाया है। फिर अपने ही बनाए समाज पर कम से कम एक नजर तो डाल लें कि यह समाज सुख में जा रहा है या दुख में। पूरा का पूरा समाज, पूरा संसार दुख में दिखाई पड़ता है। फिर चलो समाज के साथ, जहां ये जा रहा है वहीं आपको ले जा सकता है। आप कैसे सोच सकते हो कि समाज के साथ चलकर कभी आपके जीवन में कोई आनंद उतर सकता है? ठीक से अपने तथाकथित धर्मों के नियमों को देखो। जहां भी कहीं थोड़ा सा सुख दिखाई पड़ता है, चाहे वो दो ही पल का हो, जहां भी सुख है सभी धर्म उसकी निंदा करते हैं। शराब पी रहे हो तो पापी हो, प्रेम कर रहे हो तो पापी हो, थोड़ा धन कमाने की कोशिश कर रहे हो तो पापी हो। कहीं से भी देखो, जहां भी सुख है वहीं तुम पापी हो। फिर पुण्य आत्मा कहां हो? पूजा पाठ करो, मंदिर जाओ, ध्यान समाधि में उतरो। और ये सब क्यों करो? सुख पाने के लिए, धन पाने के लिए, पद पाने के लिए। लेकिन फिर तो तुम पापी हो जाओगे। जी भर के जहां तुम बोर होते हो, जिन कामों को तुम्हें एक तरह से जबरदस्ती करना पड़ता है, वही सब धर्म है, वही पुण्य है। सुख तो पाप है, भले ही ये आज आपको ना दिखाई देता हो। रोज रोज की आदत से आदमी भूलता चला जाता है, फिर वो अपने को ही सम्मोहित कर लेता है, सेल्फ हिप्नोसिस। लेकिन जीवन में पीछे जाओ, जब तुम एक छोटे बच्चे थे, जब तुम्हें ये सब सिखाया गया था, सब पता चल जाएगा। जान जाओगे कि ये सब धार्मिक होने की बकवास आपकी अपनी है या दूसरों की दी हुई। मैं इसीलिए आपको कहता हूं कि पता नहीं क्या दुर्घटना घट गई, सब नियम गलत बना दिए गए। अगर आप इनको ठीक मान रहे हो तो ये केवल आपको दुख में ही लेकर जा सकते हैं। फिर दुख से मत भागो, आप ही तो दुख को आमंत्रित कर रहे हो, किसी का कोई दोष नहीं। लेकिन अगर कभी आनंद की प्यास जाग जाए तो इस सब बकवास को छोड़कर अलग हो जाना। ठीक से देखकर जान लो कि इन नियमों ने किसी को आज तक कहीं नहीं पहुंचाया है सिवाय दुख के। शायद नियम बनाने वाले लोग दुखवादी ही रहे होंगे, पूरी तरह से सुख के विरोध में खड़े दिखाई पड़ते हैं। स्वयं की यात्रा करनी है तो ठीक प्रकार से सब कुछ जानना जरूरी है। आपने अपने स्वयं के सत्य को जानना है, लेकिन आपका जीवन झूठ से शुरू होता है। छोटे बच्चे को ही सिखाया जाता है कैसे आचरण करना है, कैसे दूसरों के साथ नकली होना है, कैसे कैसे झूठ बोलना है। तुम जब अपने बच्चों को सच बोलने की शिक्षा देते हो तो तुम देखो कि तुम तोते की तरह वही दोहरा रहे हो जो आपके माता पिता ने आपको कहा था। न उनके जीवन में सत्य था, न आपके जीवन में है, न ही आपके बच्चों के जीवन में होने वाला है। तुम केवल कहते हो कि सच बोलो, लेकिन आपका पूरा जीवन झूठ पर खड़ा है। और जरा ध्यान से देखो, इस झूठ के जिम्मेवार आप नहीं हैं, आपका वही समाज है जिसकी आप बात करते हो। अब कोई रास्ता नहीं छोड़ा आपके लिए कि आप सच्चे रह सको। कुछ भी बोलोगे पहले हजार बार सोचना पड़ेगा कि किस ढंग से बोला जाए। अगर मैंने ऐसे बोल दिया तो सामने वाले पर क्या असर होगा? उसका फिर मेरे जीवन पर क्या असर होगा? सामने खड़ा है आपका बॉस, क्या आप उसे कह पाएंगे कि आप उससे नफरत करते हैं? कह दिया तो चली गई नौकरी। हाथ जोड़कर नमस्ते कर रहे हैं, उसके प्रति आदर दिखा रहे हैं। यही समाज है, यही सब जगह हो रहा है। सब कुछ झूठ पर खड़ा है। और आप अपना सत्य जान लेंगे, आप स्वयं को जान लेंगे। अगर आपको ऐसा लगता है तो आप बहुत महान हैं। परमात्मा भी आपके सामने पानी नहीं मांग सकता। अक्सर पूछा जाता है कि परमात्मा को कैसे पाएं? ये आप जब तक ही पूछ सकते हैं जब तक आप पूरे अंधकार में खड़े हैं। बल्कि ठीक से कहूं
कि जब तक आप सोए हुए हैं, जिस दिन आपका जागना शुरू होता है तो आपको जो पहला अनुभव होता है वो एकदम उल्टा है। आपको दिखाई देता है कि आपकी परमात्मा को पाने की चाह तो एक झूठ था, जिससे आप अपने को ही भरमा रहे थे। परमात्मा तो आपसे लाखों गुना ज्यादा उत्साहित है आपको पाने के लिए, आपके भीतर प्रवेश करने के लिए इतनी जोर से कोशिश कर रहा है, पुकार पुकार कर आपको कह रहा है कि जरा रास्ता तो दो, अपना द्वार तो खोलो, मैं आना चाहता हूं तुम्हारे पास। लेकिन तुम्हें फुर्सत कहां अपनी धूप बत्ती से, अपने पूजा पाठ से, अपनी तथाकथित धार्मिकता से? तुम्हें तो कभी कभी उसका अभ्यास भी होता है तो भगा देते हो परमात्मा को भी। वो भी कोई परमात्मा हुआ जो स्वयं ही तुम में उतरने को मरा जा रहा है, उसकी क्या कीमत है आपकी नजरों में? कबीर ने कहा है कि प्रेम गली अति सांकरी, जामे दो न समाई। बहुत गाते हो, बहुत भाव में उतर कर बोलते हो, लेकिन समझ को तो ताक पर रख देते हो। मुंह से बोल रहे हो, निरंतर दोहरा रहे हो, लेकिन आपके जीवन को जरा सा भी कुछ स्पर्श नहीं करता। बात साफ है, जब तक आप हो, जब तक आपका होना, आपका मैं मौजूद है, तब तक परमात्मा नहीं। जब परमात्मा है तो फिर आप नहीं। कौन साहस कर सकता है अपने को मिटाने का? आप मिटेंगे तो फिर जो बचेगा वही परमात्मा है। मैं बहुत गौर से तथाकथित धार्मिक व्यक्तियों को देखता हूं, हर रोज मंदिर जाना, माता के जागरण, भजन कीर्तन, पूजा पाठ, सब धार्मिक अनुष्ठान, सब कुछ किया जा रहा है, लेकिन जीवन है लोभ से भरा हुआ। अगर कभी आप भी इसे ठीक से देखेंगे तो ये सब हो भी रहा है तो केवल लोभ के लिए, केवल अपने स्वार्थ सिद्ध करने के लिए। परमात्मा से क्या लेना देना है, अपने सुख का अर्थ है। जम गई हैं परतें जो आपको बचपन से बताया जाता रहा है कि परमात्मा सब कुछ देने वाला है, जब मिलेगा तो उससे मांग लेंगे, और परमात्मा बेचारा आपको पुकार रहा है। क्या सच में ही आपको परमात्मा चाहिए या फिर कुछ और? आंख खोलने को कहता हूं, ठीक ठीक दिखाई पड़ जाए तो रास्ते सभी अपने आप ही मिलने लगेंगे, फिर किसी से कुछ भी पूछने की जरूरत नहीं रहेगी। अक्सर ये भी मुझ पर इल्जाम लगाया जाता है कि मैं सीधे सीधे क्यों नहीं बता देता कि करना क्या है, ये उल्टी सीधी बातें मैं क्यों करता हूं। जरा ध्यान दें कि आप क्या कह रहे हैं। जैसे आप बैठे हैं आंख बंद करके, मैं कहां इशारा कर रहा हूं ये आपको दिखाई दे नहीं सकता। मैं केवल तुम्हें इतना ही कह रहा हूं कि आंखें खोल लो, रास्ता आपके सामने है, चले जाओ। आप आंख खोलने को राजी नहीं है, बस कोई आपका हाथ पकड़े और अपने साथ ले चले, तुमसे आंख खोलने का साहस नहीं होगा। तुम चाहते हो कि सोए सोए ही पहुंच जाए, ऐसा ना कभी हुआ है ना हो सकता है। मेरा रास्ता मेरा है, उस पर आप नहीं चल पाएंगे। आप चल सकते हैं और पहुंच सकते हैं केवल अपने ही मार्ग से, मेरे मार्ग से नहीं। यही सब गलती होती दिखाई देती है। आप चाहते हैं कि मैं आपको ध्यान करने की विधि समझा दूं, ताकि आप उसे जानकर ठीक वही कवायद करने लगे जो मैं बता रहा हूं। पता नहीं कितने लोग आपको ये सब बता रहे हैं, लेकिन क्या कोई पहुंच पाया कहीं पर? जो बता रहे हैं मैं निश्चित रूप से कह सकता हूं कि वो खुद ही नहीं पहुंच पाए, आपको क्या पहुंचाएंगे? आज ठीक से जान ले कि ध्यान में उतरने का अनुभव क्या है, ताकि फिर से आपको कोई सवाल ना करना पड़े। ध्यान है प्रेम करने जैसा, जैसे कोई पुरुष किसी स्त्री को प्यार करता है, जैसे एक प्रेमी अपनी प्रेयसी से प्यार करता है। अब प्यार हो सकता है पूरी स्वतंत्रता में, प्यार के क्या कोई नियम हो सकते हैं? प्यार करने की भी क्या कोई विधि हो सकती है? लेकिन आजकल तो YouTube पर भी ऐसे बहुत से व्यक्ति मिल जाएंगे जो प्यार कैसे करना है ये भी सिखा रहे हैं।
मैं बहुत हैरान होता हूँ, अगर प्यार करने की भी कोई ट्रेनिंग दे रहा है, बता रहा है कि पहले कहाँ छूना है, फिर क्या क्या करना है, कैसे कैसे करना है, प्यार की विधि सिखाई जा रही है, ऐसा प्यार सीखकर कोई प्यार कर पाएगा? विधि में ही उलझ कर रह जाएगा, प्यार तो कहीं दूर ही पड़ा रह जाएगा। प्यार तो होता है स्वच्छंद, कुछ पता नहीं कहां से शुरू होगा और कहां तक जाएगा, कुछ कहा ही नहीं जा सकता। इसीलिए हमेशा कहता हूं कि विधि आपके भीतर से ही निकलेगी। जो आपकी विधि है वो मेरी नहीं हो सकती, जो मेरी विधि है वो आपकी नहीं हो सकती। किसी की विधि किसी दूसरे के काम नहीं आ सकती, इसलिए उद्देश्य को ही समझना पड़ेगा। अभी मैं कुछ दिन पहले अभी और यहीं की बात कर रहा था, मैं बहुत हैरान हुआ, जितनी बार मैंने आपसे ध्यान की बात की तो बहुत ही कम मित्र सही बात को पकड़ पाए। लेकिन जब मैंने ध्यान को ही दूसरा नाम देकर अभी और यहीं कहकर बात शुरू की तो बहुत ज्यादा मित्रों ने इसे ठीक से समझा, जबकि दोनों का एक ही अर्थ है, जिस काम को कर रहे हो उसी में हो जाना। मन को जान रहे हो तो उसे पूरा खाली करके देखना, सब विचारों से मुक्त मन का असली स्वरूप। ठीक वैसे ही ध्यान करो जिसमें आप ज्यादा से ज्यादा सहज हो सको। आप जो भी ध्यान थोड़े समय के लिए करते हो, आधे घंटे के लिए, एक घंटे के लिए, जो भी, वो केवल आपको एक झलक दिखाने के लिए है, एक ट्रेलर जैसा है, ताकि फिर आप पूरे समय को ही ध्यान बना लो। ध्यान का अर्थ आपका बैठ जाना नहीं है। आप जो भी कर रहे हैं, चाहे आप चल रहे हैं, चाहे बैठे हैं, खड़े हैं, काम कर रहे हैं, सोए हुए, जागे हुए, आपके पूरे जीवन में अब जो भी हो सब ध्यान में ही हो। अब ध्यान से बाहर कुछ भी ना रहे, आपकी अगर एक उंगली भी हिले तो ध्यान में ही हिले। जरा सोचें कि फिर आपके साथ क्या घटनाएं घटेंगी। बहुत से मित्र पूछते हैं कि ध्यान करने से बहुत ज्यादा ऊर्जा आपको मिलने लगती है। वो सोचते हैं कि शायद परमात्मा की ऊर्जा आपको मिलने लगती है। इसे भी ठीक से समझ लें, कोई ऊर्जा बाहर से नहीं आ रही, ये आपकी ही ऊर्जा है जो पहले बेकार में नष्ट हो रही थी, अब आपके काम आ रही है। एक नल से बूंद बूंद करके पानी आ रहा है, क्योंकि नल के पीछे जो पाइप है उसमें सैकड़ों सुराख हैं, सारा पानी वहीं से लीक हुआ जा रहा है, नल तक नहीं पहुंच पा रहा। अगर हम उसके पाइप के सभी सुराख बंद कर दें, फिर पूरे प्रेशर से नल में पानी आने लगेगा। यही ऊर्जा है। मान लो कि आप खाना खा रहे हैं, कभी ख्याल करें उसके साथ साथ आप पता नहीं कहां कहां मौजूद हैं, आपके मन में कितने ही विचार चल रहे हैं। आपको दुकान दिखाई दे रही है, आपको कोई ऐसा व्यक्ति दिखाई दे रहा है जिससे सुबह आपका झगड़ा हुआ, कुछ दोस्त चल रहे हैं मन में, बस एक ही बात मिसिंग है, वो है कि आप खाना खा रहे हैं, उसका तो कुछ आपको पता ही नहीं चलता। ये ठीक ऐसा ही हो रहा है जैसे आपकी ऊर्जा सैकड़ों सुराखों से निकलकर व्यर्थ हो रही है। अभी आपको यही प्रयोग करने हैं स्वयं को जानने के लिए। सबसे पहले व्यर्थ की दी हुई समाज की धारणाओं से मुक्त हो जाएं। अब से ठीक और गलत आप अपने ही अंदर से जानेंगे। पूरे जीवन में जितना भी दूसरों द्वारा थोपा गया विचार है उससे मुक्त होना है। जब बहुत ध्यान पूर्वक आप अपना विश्लेषण करेंगे तो आपको पता चलने लगेगा कि कहां कहां आप नकली हैं। अभी उसे छोड़ने की बात नहीं कह रहा हूं, अभी सिर्फ देखना है, ध्यान रखना है, ठीक से जानना है। शुरू में तो यही होगा, पुरानी आदत के अनुसार वही सब चलेगा, लेकिन एक छोटा सा फर्क यही करना है कि पहले आपको उसका कुछ भी पता नहीं लगता था, अब आपको पता लगने लगा। शाम को जब सब काम निपटाकर खाली हो जाएं, या फिर रात को सोने से पहले अपनी पूरी दिनचर्या को ध्यान से देखें,
आज कौन कौन सी बात हुई जो नकली थी लेकिन आपकी पहचान से छूट गई, आप उस समय उसे देख नहीं पाए। अभी और कुछ भी छेड़छाड़ करने की जरूरत नहीं है, सिर्फ ठीक से देखना ही सीखना है, क्योंकि एक ही दिन में तो आप बदल भी नहीं सकते हो, लेकिन देखना सीख सकते हो। बस पूरी ताकत से यही ख्याल बना रहे कि अब से कुछ भी नहीं बचना चाहिए जो आपसे छूट जाए या आपको भूल जाए। इसी अभ्यास को जारी रखें। अगर हर रोज ठीक से देखते रहेंगे तो बदलाव अपने आप से ही आना शुरू हो जाएगा। आपको कुछ भी नहीं करना पड़ेगा, आपका रूपांतरण शुरू हो जाएगा। बिना किसी कोशिश के, बिना किसी चेष्टा से जीवन बदलने लग जाएगा। दूसरी बात मैंने कही, जो भी आप कर रहे हैं करना अब भी सब वही है, लेकिन अब उसको करने का तरीका बदलने की कोशिश करते हैं। अगर आप कोई काम कर रहे हैं तो बस वही काम आपके मन में चलना चाहिए, उससे बाहर नहीं जाना, उसके बिना कुछ और नहीं सोचना। शुरू शुरू में इसमें आपको बहुत मुश्किल आने वाली है, कोई फिक्र करने की जरूरत नहीं। ध्यान भटक गया, मन कहीं और चला गया, लेकिन जैसे ही आपको इसका ख्याल आ जाए तुरंत सब जगह से वापस अपने मन को वहीं ले आए। जहां आप हैं आपका मन भी वहीं रहना चाहिए, आप कहीं और मन कहीं और, इसको रोकना है। ये थोड़ा सा मुश्किल तो है लेकिन बहुत ज्यादा मुश्किल नहीं। हर रोज के थोड़े थोड़े अभ्यास से एक दिन ये पूरी तरह से सत जाएगा। यही होश है, यही जागरण है, यही प्रक्रिया आपकी नींद को तोड़ती चली जाएगी। आपका जागना शुरू हो गया है। अगर आप ऐसा करते हैं तो फिर आपको और किसी भी ध्यान की कोई जरूरत नहीं, आपका जीवन अब ध्यान बन रहा है। बस कुछ ही दिनों में आप पूरे बदल जाएंगे, अपने लिए भी और दूसरों के लिए भी। हैरान होंगे लोग अब आपको देखकर, सुनकर। अब आपका उठना, बैठना, चलना सब बदल जाएगा, आपका चेहरा बदल जाएगा, एक गहन शांति आपको अनुभव होना शुरू हो जाएगी। फिर कभी आप अपनी शांति से बाहर हो ही नहीं सकते। अब कुछ भी ऐसा नहीं है जो आपको परेशान कर सके। अब कोई जरूरत नहीं ये सीखने की कि आप कैसे अच्छे बने, आप कैसे सच बोलें, आप कैसे ईमानदार हों। अब ये सब आपके भीतर से ही आएगा। अब आपको बाहर की कोई जरूरत नहीं बची। अब कुछ भी आपसे ऐसा नहीं हो पाएगा जो गलत हो। आप जो भी करेंगे सब सही होगा। आपका जीवन रूपांतरित हो गया। अब आपने स्वयं को जान लिया। अब आपका स्वयं का प्रकाश ही आपका मार्गदर्शन करेगा। अब ना किसी गुरु की जरूरत है, ना किसी धर्म ग्रंथ के मार्गदर्शन की। अब आपके सारे ग्रंथ, आपके सारे गुरु आप ही के भीतर विराजमान है। ये आपको उसी स्थिति में ले जाता है जहां आप पूरे ब्रह्मांड से जुड़ जाते हैं। बूंद अब पहचान लेती है अपने को कि वही सागर है। आप पहचान जाते हैं कि आप ही परमात्मा हैं। आपके अतिरिक्त अब कोई भी परमात्मा नहीं है। परमात्मा आप में उतर गया है, क्योंकि अब कोई अहंकार नहीं है। अब सब कुछ स्वीकार है, समग्र स्वीकार है। परमानंद आपकी अवस्था है। आप पूछते हैं, मैं क्या चाहता हूं? मैं सच में ही यही चाहता हूं कि तथाकथित धर्मों से ये पृथ्वी मुक्त हो जाए। यही सब जहर फैला रहे हैं। अगर इस दुनिया में केवल इंसान बचे जिसका कोई धर्म नहीं, कोई जाति नहीं, कोई धर्म का ठेकेदार नहीं, ना ही कोई तथाकथित साधु संत जो अपने को भगवान का एजेंट मानते हैं और आपको झूठे आश्वासनों में उलझाकर केवल आपका शोषण करते हैं, उसी दिन संसार से दुख चला जाएगा। यही संसार जो अभी नरक जैसा दिखाई देता है स्वर्ग में बदल जाएगा। अपनी अगली वीडियो में मैं एक और मार्ग की बात आपसे करूंगा, वो है प्रेम का मार्ग। इसमें भी बहुत से मित्र बहुत उलझे रहते हैं कि कौन सा प्रेम, क्या परमात्मा का प्रेम
या संसार का प्रेम। जब आप इसे भी ठीक से जान लेंगे तो ये भी आपके लिए परमात्मा तक पहुंचने का ही मार्ग बन जाएगा। इस मार्ग से भी परमात्मा आप में प्रवेश कर सकता है। ठीक प्रकार से आप इतनी सरल बात को समझ लें, क्योंकि मैं नहीं समझता कि इससे भी सरल कुछ हो सकता है। आपके जीवन में वो पल आए जब आप कह सकें, अहम ब्रह्मास्मि, मैं ही भगवान हूं। आप ठीक से जान लो कि यहां पर सब भगवान ही है, भगवान के अतिरिक्त अब कुछ भी नहीं। इसमें कोई भी आपका अहंकार अब ना बचे। आप इतने हल्के हो जाएं कि परमात्मा के लिए अपने सभी द्वार खोल दें। अहंकार को बाहर फेंककर वहां परमात्मा को विराजमान कर दें। इसी मंगल कामना के साथ मैं आज आपसे विदा लेता हूं। धन्यवाद।